नमस्ते दोस्तों, आज हमारे पास डेल इंस्ट्रॉन लैपटॉप बनने के लिए आया हुआ है। जब इसको चालू कर रहे हैं ना, तो ऑन करने वाले स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आपके पास लैपटॉप किसी ब्रांड का हो तो आपके सामने प्रॉब्लम आ रहा है कि लैपटॉप ऑन करने पर पावर उसमें आता हो लेकिन स्क्रीन पे कुछ ना होता हो, तो आज वीडियो में सॉल्व करेंगे उस प्रॉब्लम को, बताएंगे कि आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों चलिए देख लेते हैं, ये डेल इंस्ट्रॉन लैपटॉप पूरा देख लीजिए, ठीक है। इसको देखिए, और मैं इसका जो स्विच दिया हुआ ना बैटरी में लगा हुआ है, और इसको हम ऑन कर देते हैं। देखिए पावर भी, लाइट नहीं जल रही है, इसको हम यहाँ से ऑन कर देते हैं। लाइट यहाँ जल चुका, देखिए लाइट जलने के बाद में भी स्क्रीन के ऊपर वेट कर लेते हैं, कुछ आ नहीं रहा है, क्या आता है। देखिए कुछ भी स्क्रीन के ऊपर नहीं आ रहा, मतलब ब्लैक ब्लैक स्क्रीन है, पावर है ये। तो चलिए वन बाय वन स्टेप चेक करते हैं कि एक्चुअल में दिक्कत इसमें है क्या, क्या इसका स्क्रीन खराब हो गया है, कि क्या इसके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, कि क्या प्रॉब्लम एक्चुअल में है, समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले क्या करेंगे, जब आपने लैपटॉप ऑन कर दिया है, यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, तो एक यूएसबी कीबोर्ड का व्यवस्था कर लीजिए, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, यूएसबी कीबोर्ड का व्यवस्था कर लीजिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो देखिए मेरे पास ये एक यूएसबी कीबोर्ड है, ठीक है, यूएसबी पोर्ट है ये, क्योंकि लैपटॉप के अंदर पीएसटू पोर्ट होता नहीं है, यूएसबी पोर्ट होता है चेक करने के लिए। अब हम इसको देखिए, ऑन है लैपटॉप मेरा, बैटरी चार्ज है, अगर आपका बैटरी खराब होगा तो चार्जर डाट लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको लगाते हैं यूएसबी से, और हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करके कनेक्ट करने के बाद में आपको चेक करना है कि ये बटन, देखिए नल्ला बटन है ये कीबोर्ड के अंदर, ये जलना बुझना चाहिए। अगर ये नल्ला बटन जल बुझा, इसका मतलब कि इस सेक्शन में दिक्कत है ना कि हमारे स्क्रीन में दिक्कत है। क्लियर है ना, स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है ना, सोचिए स्क्रीन खराब हो गया। आप ये सोचिए कि अगर इस पे बटन नल्ला बटन नहीं जल बुझ रहा, इसका मतलब कि आपके इस सेक्शन में दिक्कत है। अब इस सेक्शन में मदरबोर्ड होता है, इस सेक्शन में रैम होता है, सीपीयू होता है, मेनली हम तीन चीज को चेक करेंगे। क्लियर है ना, समझ चुके हैं। तो आप जब चेक कर चुके हैं ये नहीं आ रहा है, अब हम इसको करेंगे लैपटॉप को बंद कर देंगे। क्लियर है, अब लैपटॉप बंद करने के लिए या तो आपका बैटरी लगा हुआ चार्जर से है तो चार्ज निकाल लीजिए, मेरा लैपटॉप बैटरी चल रहा है, तो क्या करते हैं डायरेक्टली इसका जो है यहाँ से बैटरी दबा के इसको हम बंद कर देते हैं। कुछ देर तक दबाए रखे रहेंगे और देखिए ये बंद हो रहा है, यहाँ देखिए लाइट जा चुका है, बंद हो चुका है। अब इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं, ठीक है, इसको बंद करिए, ये निकाल दी तार मैंने। अब निकालने के बाद में अब लैपटॉप को चेक करना है आपको। देखिए हर लैपटॉप को खोलने का तरीका अलग होता है, ये डेल इंस्ट्रॉन लैपटॉप है, इसका खोलने का तरीका अलग है। आपका जो भी लैपटॉप होगा ना, वो यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिएगा कि उस मॉडल लैपटॉप कैसे ओपन करते हैं। तो सबसे पहले इस लैपटॉप को खोलेंगे और इसके अंदर हम रैम निकालेंगे, ठीक है। तो आप भी पता कर लीजिए आपके लैपटॉप में रैम कैसे निकलता है। देखिए रैम निकालने के पहले आप इसको बैटरी निकाल लीजिए, ठीक है। तो बैटरी कैसे निकलेगा, बैटरी निकाल लीजिए, हमारे लैपटॉप का बैटरी जो है इस तरीके निकलेगा, आप इसको बैटरी को निकाल लेते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा बैटरी कैसे निकलता है। सबका अलग अलग तरीका होता है, तुम्हारे लैपटॉप का बैटरी ये निकल गया, क्लियर है ना। ये मैंने बैटरी निकाल दिया है, पावर में डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब इसे खोलते हैं, इस लैपटॉप के अंदर से रैम को निकालते हैं और रैम को चेक करते हैं कि क्या रैम खराब है, यहाँ से खोलने के लिए इसको, तो इसको खोल लेते हैं, इसके अंदर रैम चेक कर लेते हैं, क्लियर है। तो किसी किसी लैपटॉप में रैम निकालने बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत अंदर दिया रहता है, और किसी में इजी होता है। देखिए इस लैपटॉप के अंदर इजी तरीके से रैम निकल जाएगा, बस दो स्क्रू खोलना है, मैं स्क्रू खोल लेता हूँ, स्क्रू खोल के अब हमने खोल लिया, ये हमारा खुल गया। तो देखिए ये हार्ड डिस्क है, अभी इसको चेक, हार्ड डिस्क को हम चेक नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जब कंप्यूटर बूट हो जाता है ना उसके बाद हार्ड डिस्क का इस्तेमाल होता है, मतलब हार्ड डिस्क का यूज होता है, लेकिन हार्ड डिस्क का यूज नहीं अभी है, अभी यूज क्या करना है, हमको रैम को यूज करना है। तो रैम को देखिए यहाँ दिया हुआ है, इसको हम ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है, ये रैम लॉक दिया था, निकाल लिया इसको करके हमने, ठीक है, ये रैम निकल चुका है। अब हमें क्या करना, कभी कभी क्या होता है ना कि मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर मतलब कि बरसात का मौसम हो जाए, ठंडा हो जाए, इसके वजह से यहाँ पे मॉइस्चर रहता है, तो कभी कभी ये लूज हो जाएगा या दिक्कत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक लेकर आते हैं, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं रबड़ ना, रबड़ लेकर आते हैं, और एक लेकर आते हैं ब्रश। तो ये देखिए, ये आपको बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो रबड़ है ये, और इस रबड़ से हम इस रैम का जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम रब करेंगे, क्लियर है। देखिए दोनों साइड में जो है यहाँ पर कभी कभी मॉइस्चर रहता है, इसको हम रब करेंगे, क्लियर है। और उसके बाद जहाँ पे रैम लगा हुआ है यहाँ पर, यहाँ एक ब्रश हम इसको साफ कर देंगे, ठीक है, ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे, सिंपल तरीके से साफ कर देंगे, ठीक है, यहाँ साफ कर लेते हैं। अब दोबारा जो है इस रैम को मैं इस रबड़ से रब करता हूँ, ठीक है, तो क्लियर तरीके से नीचे कुछ भी रखना रख लीजिए यहाँ पर, वरना इस तरीके से करके यहाँ पर आप ऐसे रब कर लीजिए, ठीक, सिंपल तरीके इसको आप यहाँ से रब कर लीजिए, और रब करने के बाद में फिर इसको आप ऐसे साफ कर दीजिए, ठीक, ऐसा रबिए, ऐसा रगड़िएगा कि ये निकल ना जाए, देखिए आराम से, और ये हो गया। अब दोबारा मैंने साफ कर लिया यहाँ पर,
अब इस रैम को दोबारा मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, जैसे निकाला था ठीक है, यहाँ सिंपल तरीके से इसका घाट देखना है, घाट देखकर मतलब कटमार्क कही कटमार्क देखकर यहाँ पर आपको ऐसे लगाना है ठीक है। देखिए ये ऐसे बैठ गया है और ये कुछ नहीं करना है, यहाँ से ऐसे दबा देना है, देखिए बैठ गया ये, क्लियर है। अब क्या करना है, या तो आप बैटरी लगा दीजिए, बैटरी लगा के चेक कर लीजिए, या तो आपके पावर जो है लैपटॉप का ना उससे ला के चेक कर लीजिए। तो ये पावर है, अभी ढक्कन में बंद नहीं कर रहा हूँ, ढक्कन खुला ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस लैपटॉप को मोड़ देता हूँ और मोड़ने के बाद में दोबारा मैं इसको लैपटॉप ऑन करता हूँ, चेक करता हूँ। ये हमारा पावर इस साइड दिया हुआ है, हाँ इस साइड पावर दिया हुआ है, देखिए पावर लग गया। और इसको हम दोबारा जो है यहाँ से ऑन करते हैं, क्लियर है। रैम लगा दिया है और चेक कर लीजिए, बैटरी लगा नहीं है, पावर से लगा के और लैपटॉप को हम यहाँ से ऑन करते हैं, देखिए पावर आ गया यहाँ पे, ठीक है दोस्तों पावर आ गया। अब चेक कर लेते हैं, देखिए डिस्प्ले आ गया, देख रहे हैं ना सिंपल तरीके से। तो आपके लैपटॉप में दिक्कत इस तरीके से है ना, तो सिंपल तरीके से एक काम करिए और आपका लैपटॉप रिपेयर हो जाएगा। आप दुकानदार के पास लेके जाएंगे, इसी चीज़ का दुकानदार आपसे 500-1000 रुपये ले सकता है, फिर आपका नुकसान हो सकता है। तो मैं आपका मित्र हूँ, आपका फ्रेंड हूँ, आपको बताता रहता हूँ। देखिए लैपटॉप ऑन हो चुका है और इसको चेक करना है कि यहाँ फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, देखिए काम कर रहा है। यहाँ प्रॉपर्टीज़ में गए, यहाँ पर हम इसके प्रॉपर्टीज़ में गए और फिर देखिए मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। तो दोस्तों तो मुझे लगता है कि अब देखिए ये दिखा रहा है 4GB रैम, क्लियर है ना, देखिए 4GB रैम आपका दिखाने लगा। तो इस तरीके से अपने लैपटॉप को आप रिपेयर कर सकते हैं। इन केस अगर डिस्प्ले रैम को ऐसे करने से नहीं आता तो मैं क्या करता, कोई दूसरा रैम व्यवस्था करता और उस जगह दूसरा रैम लगा के चेक करता। नॉर्मली 95% चांस होता है कि डिस्प्ले नहीं आता, रैम लूज होता है, उसी की वजह से दिक्कत आती है। तो मुझे लगता है कि ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम अगर आपके लैपटॉप में आता है तो आप घर पर रह करके रिपेयर कर सकते हैं, दुकानदार के पास नहीं जाएंगे, दुकानदार आपसे पैसा जाले, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता क्या उसमें खराबी है क्या नहीं खराबी है। तो अगर कहेगा मदरबोर्ड खराब है तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, वो कहेगा इसमें तो चिप खराब है तो विश्वास करना पड़ेगा। तो छोटी चीजें आप कर सकते हैं। मेन दिक्कत कहाँ आता है ना, इस लैपटॉप में सिंपल रैम निकल गया, किसी किसी लैपटॉप में क्या होता है कि कीबोर्ड निकालना होगा आपको, उसके बाद खोलना होगा, फिर उसके बाद अंदर रैम दिया जाता है, फिर निकालना होता है। एक चीज नोट करिएगा, जो रैम आप लीजिए ना, जैसे रैम मान लीजिए कि रैम तुम्हें चेंज कर दिया चल गया है, कभी कभी रैम के अंदर नहीं चलता, रैम खराब हो जाता है। तो जब रैम निकालिए तो रैम के ऊपर ये मॉडल नंबर दिया होता है, देखिए ये मॉडल नंबर दिया होता है और सेम मॉडल नंबर का ही रैम लगेगा, ऐसा नहीं कि कोई भी रैम लगा देंगे चल जाएगा। तो जो रैम ऑलरेडी लगा आपके लैपटॉप के अंदर वही रैम लगेगा। तो इसको लगा करके आप इसको आप अपने लैपटॉप को रिपेयर करा सकते हैं, क्लियर है। तो रैम की वजह से प्रॉब्लम आता है, मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मुझसे पूछिए, कुछ पूछना चाहते हैं दोस्तों। जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे किसी एपिसोड में किसी टॉपिक साथ में, तब तक के लिए आप सब लोग को